सबसे बेसिक रीजन है कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो पढ़ा है वो एग्जाम में अप्लाई करते हुए आना चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम में कॉन्फिडेंट होने चाहिए, सेकेंडली एग्जाम में आपको प्रेशर हैंडल करते आना चाहिए। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं जिसको वो अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली वेरी यूजफुल। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अब टाइम मैनेजमेंट भी उसी का पार्ट है, और फिर एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं कि कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, कैसे आंसर्स को इंटरप्रेट करें। तो हम लोगों ने हर प्रॉब्लम के ऊपर एक गेम डिजाइन करके रखा है, एक्टिविटी डिजाइन किया है, जिसे अप्लाई करके बच्चों को वो चीज़ का लर्निंग अच्छे से मिल जाता है। और हमारी भी स्टूडेंट्स के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, स्टूडेंट्स की एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इससे बहुत फर्क पड़ता है क्लासरूम के एटमॉस्फेयर में, एंड स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन डेवलप होता है दैट इज अमेजिंग। एंड हम उन्हें अच्छे से जान पाते हैं, तो हम उन्हें उस हिसाब से एडवाइस दे पाते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ पे इम्प्रूव करना है। उनका पूरा स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट तो नहीं बट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यहाँ पता चलती है, तो उस बेस पर उनको एडवाइसेस दी जा सकती है, एंड उस हिसाब से वो लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमको हर एक स्टूडेंट का जो है वो बैकग्राउंड पता चलता है, उनकी स्टोरी पता चलती है, उनके चैलेंजेस पता चलते हैं, एंड यहाँ पर आकर के सही में इट गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू जेल टुगेदर एंड टू ग्रो टुगेदर। सो एंड एक जो लाइफ है, लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, आप एक बार आके देखिएगा कभी मौका मिले तो, नेचर के साथ में कनेक्ट होके देखिए।